नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं माई एस क्लासेस। और आज हम अध्ययन करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के बारे में। दोस्तों, भारत की साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है। यही संस्था भारत में प्रतिवर्ष भारत के साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा करती है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, परंतु साहित्य अकादमी पुरस्कार की पहली घोषणा व वितरण 1955 में हुई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं सहित ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में, अर्थात कुल 24 भाषाओं में प्रदान की जाती है। इस वर्ष अर्थात 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा अकादमी द्वारा 18 दिसंबर 2019 को की गई। 2019 के पुरस्कृत कृतियों में पद्य अथवा काव्य की संख्या 7, लघु कथा संग्रह 6, उपन्यास 4, निबंध संग्रह 3, जीवन वृत्तांत 1, आत्मकथा 1 तथा नॉन फिक्शन की संख्या भी 1 है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के तहत ताम्रपत्र व शॉल के साथ साथ 1-1 लाख रुपए की राशि इन साहित्यकारों को प्रदान की गई। इस पुरस्कार हेतु पूर्व के 5 वर्षों में प्रकाशित रचनाओं पर विचार किया गया था। इस वर्ष 23 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई। आइए दोस्तों, देखते हैं कौन है उनके लेखक, रचनाकार तथा किस भाषा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, असमी भाषा के उपन्यास चाणक्य के लिए जयश्री गोस्वामी महंत को, मणिपुर भाषा के उपन्यास ई आमाडी आदुगिगी ईथर्ट के लिए एम वीरमागोल सिंह को, तमिल भाषा के उपन्यास सूल के लिए चौधरी धर्मान को, तेलुगु भाषा के उपन्यास सप्तभूमि के लिए वंदी नारायण स्वामी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। बोडो भाषा का काव्य अखई अथुम निफरई के लिए फूकन बासु मत्री को, हिंदी भाषा के काव्य छीलते हुए अपने को के लिए नंदकिशोर आचार्य को, कोंकणी भाषा के काव्य द वर्डर्स के लिए नीलबा ए खांडेकर को, मैथिली भाषा के काव्य जिंगीक ओरियायो कैरेट के लिए कुमार मनीष अरविंद को, मलयालम भाषा के काव्य अचान पिराना वीड के लिए वी मधुसूदन व नायर को, मराठी भाषा के काव्य कदाचित अजनाही के लिए अनुराधा पाटिल को तथा संस्कृत भाषा के काव्य प्रज्ञ चक्षुषम के लिए पेन्ना मधुसूदन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। आइए अब जानते हैं लघु कथा संग्रह के लिए किन लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कश्मीरी भाषा के लघु कथा संग्रह अख याद अख कयामत के लिए अब्दुल अहद हाजनी को, उड़िया भाषा के भास्वती के लिए तरुण कांति मिश्र को, पंजाबी भाषा के लघु कथा संग्रह अंथीन के लिए कृपाल कजाक को, राजस्थानी भाषा के लघु कथा संग्रह बारीक बात के लिए रामस्वरूप किसान को, संथाली भाषा का लघु कथा संग्रह शिशिर जली के लिए कालीचरण हेमब्रम को तथा सिंधी भाषा के लघु कथा संग्रह जीजाल के लिए ईश्वर मूर्जनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष निबंध संग्रह के लिए 3 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बंगाली भाषा का निबंध संग्रह घूमर दर्जा थैले के लिए चिन्मोया गुहा को, डोगरी भाषा के निबंध संग्रह बंद्रालता दर्पण के लिए ओम शर्मा जंदियारी को, गुजराती भाषा का निबंध संग्रह मोजमा रेउ रे के लिए रतिलाल बोरी सागर को। इन पुरस्कारों के अलावा अंग्रेजी भाषा के नॉन फिक्शन एंड ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दूं कि शशि थरूर भारतीय राजनीतिक व पूर्व राजनयिक है, साथ ही साहित्यकार व उपन्यासकार भी हैं। वे पूर्व में भारत सरकार के विदेश तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।
इसके अलावा कन्नड़ भाषा के आत्मकथा अर्थात ऑटोबायोग्राफी के लिए कुड़ी इसारू को, जिसके लेखक विजया हैं, को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्दू भाषा के जीवन वृत्तांत अर्थात बायोग्राफी के लिए सामने ए सर सैयद एक बाज़दीद के लेखक शफी किदवई को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि नेपाली भाषा के लिए किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है, अर्थात नेपाली भाषा के पुरस्कार की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। धन्यवाद दोस्तों।